हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। चेहरा काला पड़ गया है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, कुछ भी अप्लाई कर लो चेहरे पे निखार नहीं आ रहा, यही जो प्रॉब्लम है हर लड़की की होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, महंगे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, पार्लर में जाते हैं, ढेरों पैसे वेस्ट करते हैं अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए, बट फ़ायदा कुछ नहीं होता। उल्टा जो केमिकल्स वाली चीज़ें हमारे फेस पे अप्लाई होती हैं वो कुछ समय बाद हमारे चेहरे को नुकसान देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डेड हो जाती है, चेहरे का जो नेचुरल ग्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा चेहरा जो है वो बेजान नज़र आने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग की एक बहुत ही ईजी सी DIY शेयर करने वाली हूँ। 3 स्टेप हैं इसको अप्लाई करने के। इसको आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई करेंगे तो देखना आपके चेहरे की जो रंगत निखर नहीं रही है या चेहरा काला हो गया है, ग्लो नहीं आ रहा है किसी तरीके से, वो वापस आ जाएगा और चेहरा आपका एकदम से खिला खिला नज़र आएगा। सो गाइज, इस DIY को बताने से पहले आपको करना होगा मेरा एक छोटा सा काम। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जल्दी से प्रेस करें और साथ में बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फेस क्लींजर। हर रेमेडी का जो पहला स्टेप होता है वो फेस की क्लींजिंग होता है। क्लींजिंग करने से फेस के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, धूल मिट्टी निकल जाती है, चेहरा क्लीन हो जाता है। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर। टमाटरों को पीसेस में काट के इसकी मिक्सी में प्यूरी बना लेनी है और इसको एक बाउल में डाल के रख लेना है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 2 टेबल स्पून टमाटर की प्यूरी। उसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच बेसन। देन हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका बहुत ही इजी सी रेमेडी बनके रेडी है, फेस क्लींजर बनके रेडी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ईजिली हर किचन में अवेलेबल होती हैं, तो आपको ये क्लींजर बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। सारी चीज़ें ईजिली किचन से अवेलेबल हो जाएंगी तो आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। सबसे पहले अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ये क्लींजर अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होगी कि फेस वॉश से तो फेस क्लीन कर ही लिया है तो क्लींजर की क्या ज़रूरत। नहीं, फेस वॉश जो होता है वो हमारी ऊपर की जो फेस पे डस्ट होती है उसको क्लीन करता है, बट क्लींजर जो है वो हमारे फेस की डीपली क्लींजिंग करता है, जिससे जो हमारे बंद हुए पोर्स जो होते हैं, धूल मिट्टी जिस पर जम जाती है, वो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं, ब्लैक एंड वाइटेड उसके बाद बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाते हैं, चेहरा अंदर से निखरता है, चेहरे पे ग्लो आता है। इसको अप्लाई करने के बाद चेहरे को 5 मिनट तक आपको क्लीन करना है, मसाज करनी है चेहरे की। क्योंकि ये क्लींजर बनाने के लिए हमने जो टमाटर और नींबू का इसमें यूज़ किया है, इन दोनों ही चीज़ों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। विटामिन सी होता है जो हमारी चेहरे के डीपली लेयर तक जाता है, जो पोर्स को ओपन करता है, धूल मिट्टी और पोल्यूशन वगैरह जो चेहरे पे डस्ट होती है उसको निकाल बाहर फेंकता है। जो बेसन होता है उसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, चेहरे के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। 5 मिनट तक चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद फेस को वॉश कर लेना है, देखना आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग नज़र आएगा पहले यूज़ में ही। हमारा जो 2nd स्टेप है उसके लिए हम बनाएंगे फेस स्क्रब। के लिए यहाँ पे आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून हनी यानी कि शहद। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा एक स्क्रबर बन के रेडी है। 2nd स्टेप में हम इस स्क्रबर को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और पूरे फेस की 5 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। कॉफ़ी और हनी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग है, स्किन पे रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करती है, चेहरे पे कील मुहासे हैं या पिगमेंटेशन है उनको बहुत ही ईजली रिमूव करती है। कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में कैफीन होता है जो चेहरे की थकान दूर करती है, चेहरे को फ्रेश बनाए रखती है, डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करती है,
फेस के एक्सेस ऑयल को ख़त्म करती है, जिससे हमारी स्किन जो है वो स्मूथ रहती है, फ्रेश दिखाई देती है। और कॉफ़ी स्किन पे कसाव लाती है, जिससे हमारी स्किन जो है वो हमेशा यंग दिखाई देती है। हनी भी जो है वो स्किन पे एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है और स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो नेचुरल ग्लो करती है, अंदर से स्किन हेल्दी नज़र आती है। स्क्रबिंग करने से चेहरे के जो ब्लैकहेड व्हाइटहेड की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ही ईजली रिमूव होती है। 5 से 7 मिनट तक चेहरे की अच्छे से स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद अपने फेस को पानी से वॉश कर लेना है। देखना स्क्रबिंग करने से आपकी स्किन जो है वो कितनी स्मूथ नज़र आएगी आपको, आपकी चेहरे की जो ड्राई स्किन है, जो डेड स्किन है, वो बहुत ही ईजली निकल जाएगी और चेहरा आपको खिला खिला नज़र आएगा। तो अब हमारी लास्ट और तीसरी DIY है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। उसमें आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून टमाटर की प्यूरी एंड थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करनी है और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये आपका फेस पैक बनके रेडी है। तो अब इस पैक को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और सूखने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। गाइस, जब आप ये दोनों स्टेप करोगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, देखना आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा आपको रौनक नज़र आएगी, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा। अगर मेरे कहने पे यकीन नहीं हो रहा तो आप एक बार इस DIY को यूज़ करके ज़रूर देखेगा, आपको डेफिनेटली 100% रिज़ल्ट मिलेगा इस DIY का। इस पैक की मोटी मोटी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है और सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है। तो देखना आपके चेहरे पे जो खोई हुई रौनक थी वो वापस आ जाएगी, चेहरा निखर जाएगा आपका। सो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की DIY अच्छी लगी होगी। सो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा ही आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी और आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आती रहूंगी। सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।